सो हे फूडीज एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ फूडीज गूगल व्लॉग सीरीज। तो 2020 की इस आखिरी वीडियो में मैं आप सभी फूडीज का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आए हैं राजू चाप कॉर्नर पर, और यहां पर हम लोग कौन सी तरह की डिशेस को या कौन से डिश को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो आप लोगों को पता चलेगा इस वीडियो में। तो उसके लिए वीडियो में बने रहें, वीडियो को आराम से देखते रहें, भाई चादर में घुस के देखें या फिर किसी गर्म जगह पर देखें, क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है, तो इसलिए अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को बिना किसी वक्त गवाए हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जिस डिश को आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी राजू चाप कॉर्नर पर जिस डिश को आज हम लोग देखने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो है यहाँ के तंदूरी सोया चाप। तो जो हमारे चाप हैं वो रोस्ट होने के लिए तंदूर पर जा चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यार वो फ्लेम के ऊपर जो हमारे चाप है वो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों को जो है वो चाप की वैरायटीज जो है बहुत लोगों ने ट्राई करी होती है, उन लोगों को चाप बहुत पसंद आती है, और सर्दियों में तो यार चाप खाने का तो बस मजा ही कुछ और होता है। तो जिन जिन लोगों ने तरह तरह की चाप ट्राई करी हो वो जरूर कमेंट करके बताएं कि यार उनको कौन सी चाप फेवरेट लगती है, या तंदूरी चाप ही उनकी फेवरेट है। तो वो लोग यहाँ पर आए और जरूर ट्राई करें तंदूरी चाप एट राजू चाप कॉर्नर। तो भाई हम लोग देख सकते हैं कि यार जो हमारे चाप है वो अब दोबारा से तंदूर के ऊपर आ चुके हैं, और धीरे 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 वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, और अब उसके बाद जो है हमारे चाप पर एक बार उसे उतार कर दोबारा लगाया जा रहा है बटर, और बटर लगने के बाद ये फ्लेम पर दोबारा आ चुके हैं। तो भाई यार आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरी जो और भी वीडियोस आएंगी वो भी आपको मिल जाएंगी, और चैनल में जाके और भी वीडियोस को देखना यार, बहुत ही तरह की फूडीज की वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। आप लोग देखना यार आप लोगों को कौन कौन सी डिशेज अच्छी लगती है, कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं भाई तंदूरी सोया चाप, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और जल्दी अभी हम इसे ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यार हमें ये तंदूरी सोया चाप कैसे लगे। तो भाई जो हम लोग देख सकते हैं कि वो चाप जो हैं वो अपना कलर किस तरह से चेंज कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं तंदूर के ऊपर, और जल्द ही जो है हमें लगता है कि हमारे जो डिश है वो तंदूरी सोया चाप तैयार होने वाले हैं, और हम लोग इसे ट्राई करने के बाद आपको बताएंगे कि यार हमें डिश कैसी लगी। तो चाप जो है वो हमारे तंदूर से आ चुके हैं बाहर, उस पर लगाया जा चुका है बटर, अब उसके बाद उसकी की जा रही है कटिंग। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर दे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वीडियोस कब कब आ रही हैं, और उनकी छोटी छोटी क्लिप्स भी जो है वो मैं उस पर डालता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यार जो हमारे चाप के अंदर है वो बढ़िया सारा मसाले डाल चुके हैं, उसके बाद जो है तंदूरी सॉस डल चुका है, और अब जो है हमारे उसमें अनियंस डल चुके हैं, अब उसके बाद ये चटनी, और उसके बाद जो है ये नींबू, ये सब कुछ डल चुका है। अब उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है, जो कि सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ओवरऑल हमारे एक ही टेस्ट में हमें आए, और हमें हर टेस्ट में वो पता चलता रहे कि यार कितनी अमेजिंग ये डिश है। तो अब जो है ये डिश जो अच्छी है वो तैयार हो चुकी है, और अब उसके बाद उसकी की जा रही है प्लेटिंग। तो भाई ये प्लेट में हमारी चाप जो है वो देखने में आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना यार, क्योंकि आप कमेंट करते हो पता चलता है कि हाँ यार आप लोगों को भी डिश बढ़िया लगी। तो आप देख सकते हैं कि यार जो हमारे चाप हैं वो आ चुके हैं, अब उसके बाद जो हमारी क्रीम है वो आ चुकी है, और अब इन दी एंड चटनी भी हमारी आ चुकी है। तो भाई जो हमारी तंदूरी सोया चाप है वो बन के हो चुकी है तैयार, और अब इसे ट्राई करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हमें अमेजिंग डिश कैसी लगी। तो भाई जैसे कि आज हम लोग आए राजू चाप कॉर्नर पर, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, और हम लोग यहाँ पर आज ट्राई करने वाले हैं कौन सी चाप, तंदूरी चाप। तो भाई सर्दियों का मौसम है, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रखी है, उसमें ऐसी गर्म गर्म चीजें खाने का लोगों का बहुत ही मन करता है। तो अगर आप लोगों को भी ट्राई करनी हो तंदूरी चाप, जरूर आना यहाँ पर राजू चाप कॉर्नर। तो हम लोग इसे ट्राई करते हैं, जो कि देखने में ये इसकी प्लेटिंग आप लोगों ने देखी है कितनी अच्छी लग रही है, और अब इसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं यार ये तंदूरी चाप हमें कैसी लगी। तो आप लोगों ने तंदूरी चाप या फिर मतलब और कौन सी चाप आपको पसंद है वो जरूर कमेंट करके नीचे बताएं, हम लोग चाप ट्राई करते हैं। तो भाई ये ली हमने चाप, और ये लगाई क्रीम, और ये चटनी। तो भाई चाप जो थी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, जो चाप थी वो बहुत अच्छी था, फिर रोस्ट हो रखी थी,
इसके जो फ्लेवर्स थे जिसमें उसमें डाले गए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, साथ साथ क्रीम और चटनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ओवरऑल जो डिश थी वो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, टेस्ट बहुत अच्छा इसका था। तो यार मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आए और जरूर ट्राई करें। तो भाई जैसा कि आज हम लोग आए राजू चाप कॉर्नर पर और भैया ने भाई मार्को तंदूरी चाप जो टेस्ट कराई थी भाई बहुत ही बढ़िया चाप भी दिया और बहुत ही मजा आया। और तो भैया और कौन कौन सी चाप यहाँ पर मिल जाएगी कस्टमर को ये बता देंगे? चाप, चाप, हाँ जी हरियाली चाप। तो ये सारे चाप आपको भाई खाने को मिलेंगे। भैया टाइमिंग क्या होगी आपके यहाँ पे? 3:30 से 10:30 तक यहाँ पर टाइमिंग है। तो अगर आप लोगों को ट्राई करना हो तो यहाँ पर राजू चाप कॉर्नर पर आए और ट्राई करें। जोमेटो स्विगी यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ टाइम पर अवेलेबल भी हो जाएगा। तो तरह तरह की चाप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे ASR वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करने को बोल दो भाई। सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को यार जरूर। और तब तक के लिए न्यू आने वाला है तो हैप्पी न्यू ईयर। और 31 दिसंबर 2020 मतलब 2020 आने वाला है। तो भाई बाय बाय करते हैं 2020 को और 2021 को करते हैं वेलकम। सो आई होप गाइस कि यार आपको वीडियो अच्छी ही लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली और अपना जितना भी सर्कल हो सबके साथ शेयर कर देना क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है और ऐसी गर्म गर्म डिश सभी लोग खाना चाहते हैं। और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कौन सी अच्छी लगी, वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो बताना जरूर। और हाँ यार इन दी एंड अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट, जाओ वो लाल बटन होगा उसे दबा दो फोड़ दो भाई और उसके बाद साथ में बेल आइकन होगा वो भी दबा देना। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2020, बाय बाय कर दो उसको और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ईयर में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय फूडीज। ऑडियो जंगल।